सो गाइस, आज की रेसिपी का जो हीरो है वो है चावल। और चावल मैंने 1 टेबलस्पून ले लिया है। इसको मैं 2-3 बार अच्छे से साफ पानी से वॉश करके इसको आधे घंटे के लिए सोक होने के लिए रख दूंगी। इसको थोड़ा सा भिगो के रखूंगी ताकि चावल जो है थोड़ा सा नरम हो जाए। उसके बाद मैं इसके पानी सही थी मिक्सी में थोड़ा सा पीस लूंगी। इसको दरदरा पीसूंगी, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है क्योंकि इसको हम लोग पकाना भी है। सो अब मैं इसको पका लूंगी। ये देख सकते हो आप लोग, इसके पानी सही थी मैं पका रही हूँ। तो इसको अच्छे से पका लेना है जैसे हम लोग चावल बनाते हैं वैसे, ये देख सकते हो। तो इसको मैंने दोबारा से मिक्सी में पीस लिया है और छलनी से इसको अच्छे से छान लेंगे ताकि इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर हो जाए, जैसे क्रीम लगाते हैं हम लोग, बिल्कुल वैसा स्मूथ सा टेक्सचर बन जाए इसका। तो इसमें मैं 2-3 इंग्रेडिएंट्स और ऐड करूँगी, बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो आपके स्किन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। सो ये मैं फ्रेश एलोवेरा ले रही हूँ। आपके पास अगर फ्रेश है तो फ्रेश ही लीजिए, अगर नहीं है तो आप पतंजलि या फिर कोई भी एलोवेरा जेल जो यूज़ करते हैं आप लोग वो इसमें डाल सकते हैं। और एलोवेरा जेल का बेनिफिट्स हम सबको पता है, ये बहुत अच्छे स्किन के लिए काफ़ी अच्छा वर्क करता है। नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टी है इसमें और स्किन को काफ़ी लाइटन करता है। और कच्चा दूध मैं यहाँ पे 2 चम्मच डाल रही हूँ। कच्चा दूध से हम लोगों का बहुत अच्छे से स्किन क्लीन होता है और स्किन वाइट होता है। तो इसको मैं अपने फिंगर से अपने पूरे फेस में लगा लूँगी। तो इस तरह से फिंगर से सर्कुलर मोशन से इसको लगा लेना है पूरे फेस पे। आप अगर चाहे तो आपके पास अगर कोई ब्रश है तो ब्रश से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है अपने हाथों से लगाना। और हाथों से इवनली हम लोग लगा सकते हैं पूरे फेस पे। तो इस तरह से मैं जैसे हम लोग फेस पे लगाते हैं वैसे लगा के इसको छोड़ दूंगी थोड़ी देर के लिए। तो जहाँ पे हम लोगों का बालों में हेयर है वहाँ पे भी आप लोग अप्लाई कीजिए। ये हेयर रिमूवल के भी बहुत अच्छा हेल्प करता है और इसका जो स्मेल है काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा स्मेल है इसका। सो इस तरह से मैं लगा लूँगी पूरे फेस पे। अभी हर जगह लॉकडाउन या फिर बंद है, आप सबको पता है कितनी महामारी फैली हुई है, तो पार्लर जाना वैसे भी सुरक्षित नहीं है, तो हम लोग घर पे ही ऐसे अपने स्किन का केयर कर सकते हैं। तो फेस पे मैंने लगा लिया है, अब मैं जितना भी बचा हुआ है वो अपने दोनों हाथों पे लगाऊंगी। आप एक ही चम्मच से अपने फेस एंड हाथों में अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि चावल जो है फूल जाता है। और पकने के बाद मैंने इसमें एलोवेरा जेल और दूध का भी इस्तेमाल किया है तो क्वान्टिटी वैसे ही बढ़ गया है। तो ऐसे अपने हाथों की कोहनी तक आप ज़रूर से अप्लाई कीजिए इसे। कई बार हम लोगों का हाथ जो है बिल्कुल स्किन मुरझाया हुआ सा लगता है और इस जगह पे जो हाथों की कोहनी है वो बहुत ज़्यादा काली पड़ जाती है कई लोगों की, तो उसमें भी इस ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। मैंने अपने हस्बैंड के हाथों में भी यूज़ करके देखा है, काफ़ी अच्छा सन टैन के लिए ये होम रेमेडी है, बहुत अच्छी। तो आप ज़रूर से ट्राई करके देखिए। तो इस तरह से मैं इसको लगा लियो, आप सब देख सकते हो। तो इसको मैं छोड़ दूंगी और फिर से मैं सर्कुलर मोशन पे थोड़ा सा रब कर रही हूँ अपने फेस पे ताकि इक्वली लग जाए। ये देख सकते हो बिल्कुल फेस पैक का जैसा ये ड्राई हो चुका है, मैंने आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। तो इसको अब ठंडे पानी से धो लेना है। सो दिस इज़ द रिज़ल्ट, ग्लो आपके सामने है, हाथ और चेहरा कितना ज़्यादा ग्लोई लग रहा है आप सब लोग देख सकते हो। तो ये देखिए, आप थोड़ा सा वीडियो को री करके देखिए, पहले की मेरी स्किन देखिए और अब देखिए कितना ज़्यादा ग्लो कर रहा है। तो एक्सेस जो वाटर है वो मैं यहाँ पे रिमूव कर रही हूँ टॉवल से ताकि मैं रिज़ल्ट आपको दिखा सकूँ। ये देख सकते हो मेरी स्किन कितनी ज़्यादा ग्लोई लग रही है, बहुत ज़्यादा फेयर हो गई है मेरी स्किन, बहुत अच्छा लग रहा है गाइज इसको यूज़ करके। एक ही यूज़ में बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया है, हाथों को देख सकते हो आप लोग कितना ज़्यादा ग्लो लग रहा है, हाथों में भी गोरा हो चुका है मेरा हाथ। और हाथों की कोहनी मैं दिखाती हूँ आपको अभी, ये देख सकते हो कितना ज़्यादा ग्लो आ गया है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा ये रेमेडी और ये मैं यूज़ करने वाली हूँ वीकली 2 टाइम्स। हाथों की उंगलियों में देख सकते हो कितना ज़्यादा चमक आ गया है। कई बार हम लोगों के हाथों की उंगली बिल्कुल मुरझाई हुई सी लगती है और अब देख सकते हो, ये मैं जूम करके अपनी स्किन को दिखा रही हूँ, मेरे ओपन पोर्स जो है वो भी मिनिमाइज हो चुके हैं। आई होप आप सभी को आज की वीडियो अच्छी लगी है। ये देख सकते हो स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोई मुलायम एंड मेरे जितने भी ब्लैक हेड्स हैं ना वो भी हट चुके हैं और फेस के जितने भी हेयर है छोटे छोटे
वो भी बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं इसके इस्तेमाल से। आई होप आप सभी को आज की वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी, एंड वीडियो में जो मैंने रेसिपी दिखाया है उसको यूज़ करके कमेंट में फीडबैक जरूर से लिखना, मैं वेट करूँगी आप सबका कमेंट का। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी तरह की मैं वीडियो लेके आती रहूँगी आप सबके लिए। तब तक के लिए प्लीज़ स्टे सेफ, बाय बाय।